तो यार सुपर हीरो मूवीज आज के टाइम में इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई है कि हमारे इंडिया में भी इसका बोलबाला अच्छा खासा बोल रहा है। और यार बोले भी क्यों ना, क्योंकि यार जो चीजें हम सभी दिमाग में सोचते हैं, यानी वो बचपन में स्कूल क्रश को मॉन्स्टर से बचाने की, वो हमें ऑन द स्क्रीन जो देखने को मिल रही है। अब यार ऐसी बात नहीं है कि हमारे इंडिया में ये सुपर हीरो मूवीज रेवोल्यूशन हाल ही में आया है। मतलब अगर टाइम की सुई को थोड़ा पीछे घुमा कर देखे तो ऐसी बात नहीं है कि हमारे इंडिया में आज से पहले कभी भी सुपर हीरो मूवीज बनाने की कोशिश नहीं की गई थी। मतलब यार इंडिया में भी बहुत टाइम पहले सुपर हीरो मूवीज बनाने की कोशिश की गई थी। अब चलो आपको कुछ के बारे में बताता हूँ। अब यार 80s के टाइम में सुपर हीरो कॉमिक्स काफी ज्यादा पॉपुलर हो रही थी और उस टाइम के टीनेजर्स में वो काफी ज्यादा पसंद भी की जा रही थी। अब उस टाइम स्पाइडरमैन, बैटमैन एंड सुपरमैन सबसे पॉपुलर कैरेक्टर्स में से एक थे, जो कि लोगों को उस टाइम बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहे थे। लेकिन आउट ऑफ द कंट्री, यानी अपने इंडिया से बाहर, तो अब अपने कुछ चालाक मूवीज के डायरेक्टर्स को ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा पसंद आया और उन्होंने भी सोचा कि चलो अब अपन भी एक सुपर हीरो मूवी बनाएगा। एंड साल 1985 में अपने टाइगर बाबा के पप्पा जैकी दादा की शिवा का इंसाफ करके एक मूवी आई, जिसमें अपने जैकी दादा मस्त एक सुपर हीरो थे। अब वो मूवी कितनी ज्यादा कमाल थी ये तो शायद ही आपको बताने की जरूरत है। पर इसके बाद भी जानी दुश्मन, रावण एंड फ्लाइंग जट जैसी बड़ी मूवीज फ्लॉप होती गई और इंडिया में सुपर हीरो मूवीज बनना बिल्कुल ही बंद हो गई। पर इसी बीच मार्केट में एंट्री मारता है MCU, यानी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। मतलब यार साल 2008 में मार्वल ने अपनी पहली मूवी आयरन मैन को रिलीज किया और यार ये मूवी कितनी ज्यादा सक्सेसफुल रही थी ये तो शायद ही किसी को बताने की जरूरत है। मतलब तब हर एक बच्चे से लेके बड़े तक के जुबान पर आयरन मैन हो गया था। मतलब यार आयरन मैन ही वो पहला सुपर हीरो कैरेक्टर था जिसने सुपर हीरो वर्ल्ड को मूवीज में भी दिखा दिया था। एंड यार इसके बाद तो मार्वल ने कभी रुक के देखा ही नहीं। मतलब इसके बाद तो उसने एक से एक कमाल की मूवीज एंड सीरीज दी। एंड जो एवेंजर्स की मूवीज थी उनकी तो यार बात ही अलग थी। एंड नतीजन जब एंड गेम मूवी आई तो वो वर्ल्ड की नंबर वन मूवी बन गई। एंड इसी बीच कुछ और सुपर हीरो फिल्म फ्रेंचाइजीज भी मार्केट में आ गई, लाइक ट्रांसफॉर्मर्स एंड मार्वल का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर DC। अब यार DC ने भी मैन ऑफ स्टील एंड बैटमैन जैसी कई कमाल कमाल की मूवीज रिलीज की है। हाँ भले ही उन्होंने वो कमाल ना दिखाया हो जो कि मार्वल की मूवीज ने दिखाया हो, बट स्टिल DC भी सुपर हीरो मूवीज का आज के टाइम में एक बड़ा नाम बन गया है। तो अब चलो लगे हाथ ये भी जान लेते हैं कि आखिर आज के टाइम में किस कंट्री में ज्यादा सुपर हीरो मूवीज फैंस पाए जाते हैं। तो यार अगर सबसे पहले बात करें DC की कि आखिर DC किस कंट्री में ज्यादा फेमस है, तो यार यहाँ पर हम टॉप 5 कंट्रीज की बात करेंगे। तो अगर बात करें नंबर 5 की, तो यार टर्की में DC हीरोज को 5वें नंबर पर सबसे ज्यादा सर्च किया जाता है, जहाँ पर हर महीने 60,500 लोग इन्हें सर्च करते हैं। एंड यही सेम नंबर 4 यानी ब्राजील में भी होता है। एंड इसके बाद नंबर 3 पर हमारा इंडिया आता है, जहाँ पर हर महीने 110,000 लोग DC हीरोज को सर्च करते हैं। एंड नंबर 2 पर US आता है, जहाँ पर 165,000 लोग DC को हर महीने सर्च करते हैं। एंड यार DC को सबसे ज्यादा साउथ कोरिया में सर्च किया जाता है, जहाँ पर हर महीने 2,00,000 से भी ज्यादा सर्चेस निकल कर आती है। अब यार ये तो बात हुई DC की, लेकिन अगर बात करें मार्वल की, तो यार नंबर 5 और 4 पर यहाँ पर फ्रांस एंड UK आता है, जहाँ पर हर महीने 90,500 लोग मार्वल हीरोज को सर्च करते हैं। एंड नंबर 3 और 2 पर ब्राजील एंड इंडिया आता है, जहाँ पर 110,000 लोग इन्हें सर्च करते हैं। एंड नंबर 1 पर US आता है विद सर्चेस ऑफ अराउंड 3 लाख इन 1 मंथ। तो अब हाँ जवाब तो आपको मिल ही गया होगा कि किस कंट्री में ज्यादा सुपर हीरो फैंस पाए जाते हैं। पर यार यहाँ पर शॉकिंगली हमारा इंडिया उन टॉप कंट्रीज में आता है जहाँ पर सुपर हीरो मूवीज को पसंद किया जाता है। मतलब DC के मामले में वो नंबर 3 पर था एंड मार्वल के मामले में नंबर 2 पर। अब इसी सुपर हीरोज के पागलपन को देखते हुए आज के टाइम में एक बार फिर से इंडियन मूवीज मेकर्स ने सुपर हीरो मूवीज को बनाने की कोशिश की है। एंड यार इस बार उन्हें सपोर्ट भी मिल रहा है। मतलब यार मिन्नल मुरली एंड ब्रह्मास्त्र जैसी मूवीज को फैंस ने काफी ज्यादा सपोर्ट दिखाया है, जिन्हें देखकर मूवीज के मेकर्स ने इनका एक सिनेमैटिक यूनिवर्स भी बना दिया है, जहां पर मिन्नल मुरली के तो पार्ट 2 की अनाउंसमेंट बहुत पहले ही कर दी गई थी, वहीं ब्रह्मास्त्र भी 3 पार्ट्स में आने वाली है। अब यार आज के टाइम में तो सिनेमा जगत बहुत ही ज्यादा बदल गया है सिर्फ इन सुपर हीरो मूवीज के कारण। मतलब यार जो आप लोगों ने सुपर हीरो कॉन्टेंट को इंडिया में सपोर्ट दिखाया है वो तो यार एकदम नेक्स्ट वाला था। अब यार वैसे उसी सपोर्ट की मुझे भी जरूरत है। मतलब यार मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स तो बहुत पहले ही कम्प्लीट हो गए थे, अब बस बचा है वॉच टाइम, वो भी आधा। तो यार अगर आप सभी सब्सक्राइब करके रेगुलर वीडियोस को देखोगे तो यार वो भी पूरा हो जाएगा।